आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपके आधार कार्ड का डेटा किसी ने चोरी कर लिया है, आपको कैसे इसकी जानकारी मिलेगी? इंडिया न्यूज संवाददाता रोहित पुनेठा की खास रिपोर्ट देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड आजकल बहुत ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, इसको लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। जैसा कि एक नाम पर दो आधार कार्ड हैं, तो उसके खिलाफ सरकार अब एक अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत सरकार ने अब तक 81 लाख आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है। आपको बता दें कि ये ऐसे आधार कार्ड हैं जो कि गैर जरूरी थे। डुप्लीकेट आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेजों के न होने पर इन आधार कार्ड को रद्द किया गया, यानी कि जब इनको वेरीफाई कराया गया सरकार की ओर से, तो इनके जो एड्रेस थे या नंबर्स थे या इनकी जो जानकारियां थी वो गलत पाई गई, जिसके आधार पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, इनको कैंसिल कर दिया गया। आपका आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं, इसकी आप जांच कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहद जरूरी भी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप UIDAI.gov.in, ये एक वेबसाइट है, ये सरकारी वेबसाइट है, जिस पर आप जाएंगे तो आप आसानी से ये जान पाएंगे कि आपका आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आपको बताते हैं। तो जब आपका ये वेबसाइट का जो पेज है वो खुल जाएगा, तो फिर आपको सामने एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई आधार नंबर। तो वो जो आधार नंबर है वो उसको आपको वेरीफाई कराना होगा। इस कॉलम में जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार नंबर जो कि आपके आधार कार्ड पर लिखा रहता है वो आप इसमें एंटर करेंगे और उसी पेज में एक कैप्चा होता है जिसमें आपको सिक्योरिटी कोड भरना होता है, ये जानने के लिए कि कहीं आपको कंप्यूटर या मशीन तो नहीं है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वेरीफाई के बटन पर आप जाएंगे, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आपका आधार नंबर है जो आपके आधार कार्ड पर है वो नंबर एक्टिव है या नहीं, इसकी सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। और यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि 1 जुलाई से कई सरकारी सुविधाओं के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ये सरकार की ओर से किया गया ताकि किसी भी तरह की जो गड़बड़ियां हैं, जो फ्रॉड्स हैं, जो फर्जीवाड़े आजकल हो रहे हैं, ये बंद हो जाए। इसीलिए 1 जुलाई से सरकार सभी सुविधाओं के लिए, खासतौर पर सरकारी सुविधाओं के लिए, आधार कार्ड को बहुत जरूरी करने जा रही है।